नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख क्राइम अगेंस्ट विमेन रोज बाई 15.3% इन 2021 इस पर आधारित है। इसमें एक्सेल एकेडमी के भी कुछ इनपुट शामिल है। चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15.3% की वृद्धि हुई है। 2020 में जहां 371,503 मामले दर्ज हुए, वहीं 2021 में 428,278 मामले दर्ज किए गए हैं। NCRB की रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर, और ये जो आंकड़ा NCRB द्वारा जुटाया गया है, ये प्रति 1,00,000 की आबादी पर है, जहाँ 2020 में 56.5% थी, 2021 में बढ़कर 64.5% हो गई है। इनमें से ज्यादातर केस लगभग 32% टू बी प्रिसाइजली 31.8% पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। 20.8% मामले महिलाओं की गरिमा भंग से, 17.6% किडनैपिंग और एबडक्शन और 7.4% बलात्कार से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में मामूली सी गिरावट के बावजूद 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की उच्चतम दर आसाम में दर्ज की गई है। राज्य में पिछले वर्ष ऐसे 29,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस श्रेणी के अपराधों में उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान राज्य भी टॉप पर है। असम की तरह राजस्थान में मामूली कमी देखी गई है, जबकि 3 अन्य राज्यों उड़ीसा और हरियाणा तथा तेलंगाना में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट 2021 में दर्ज मामलों में यूपी को शीर्ष स्थान पर रखती है। यूपी में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध संबंधी 56,083 मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्चुअल फिगर है, हालांकि यह दर 50.5% से कम है। महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करने वाले अन्य राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी सम्मिलित है। नागालैंड में पिछले 3 वर्षों में सबसे कम अपराध दर्ज हुए, 2019 में 45, 2020 में 39 और 2021 में 54 मामले ही दर्ज हुए। क्वाइट इम्प्रेसिव है ये। नागालैंड से भारत के अन्य राज्यों को सीखने की जरूरत है। 2021 में महिलाओं के विरुद्ध सबसे कम अपराध दर यही नागालैंड में थी और यह दर 5.5% थी। आपको बता दें कि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। कोयांग जनजाति यहां पाई जाती है, जिसे हेड हंटर अर्थात सर काटने वाला के रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 79.55, लगभग 80% है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध की दर सबसे उच्चतम रही है। 2019 में जहां 13,395 केस दर्ज हुए, तो वहीं 2021 में 14,277 मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में 2021 में बलात्कार की उच्चतम दर 16.4% रही है और यह वास्तविक दर 6,337 मामलों के साथ लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में 2,000 मामले दर्ज किए गए और राजस्थान नाबालिग लड़कियों के साथ सर्वाधिक रेप के मामले में भी टॉप पर है। 2021 में नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के 1453 केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर नाबालिग लड़कियों के बलात्कार संबंधी देश में 31,677 मामले 2021 में दर्ज किए गए, जो कि 5 वर्षों में मामूली गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2018 में 37,977 मामले दर्ज हुए थे। आगे यह लेख मर्डर विद गैंग रेप या रेप संबंधी आंकड़ों पर प्रकाश डालता है। 2021 में ऐसे 284 मामले, और ये आंकड़ा 2019 के बराबर है, तथा 2020 में ऐसी 218 घटनाएं हुई हैं। इस श्रेणी के तहत 2018 में सबसे अधिक
291 केस दर्ज किए गए थे। इस तरीके के मामले में यूपी में सर्वाधिक इनकी संख्या रही है और इनकी संख्या 48 है। इस तरीके के मामले में यूपी जो है वो सर्वोच्च स्थान पर रहा है। यहाँ पर 48 मर्डर विद गैंग रेप या रेप जैसे मामले हमको दिखाई देते हैं। आसाम में ये मामला 46 है, जबकि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके के कोई भी मामले पिछले वर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं। एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रत्येक वर्ष होने वाले कुल रेप में रेप विद मर्डर 1% से भी कम होती है। मान लीजिए कि अगर देश में कुल 100 रेप हुए तो एक मामला ऐसा होगा जिसमें रेप और मर्डर दोनों होगा। आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 से 2020 की अवधि में यूपी, असम, एमपी और महाराष्ट्र में बलात्कार हत्या अर्थात रेप करने के बाद की गई हत्या के मामले देश में सर्वाधिक थे। आगे ये आर्टिकल हमको बताता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल 28,000 से अधिक महिलाओं का विवाह के लिए मजबूर करने के लिए एब्डक्शन किया गया, जिसमें 12,000 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या यूपी और उसके बाद बिहार की रही है। इन दोनों राज्यों में क्रमशः 8,599 और 6,589 मामले दर्ज किए गए। देखिए, एक शब्द होता है साथियों एब्डक्शन और दूसरा किडनैप। दोनों को लोग प्रायः एक ही समझते हैं, परंतु इनमें अंतर होता है। किडनैपिंग के लिए कानून में व्यपहरण अर्थ है और एब्डक्शन के लिए अर्थ है अपहरण। किडनैपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, किड प्लस नैपिंग, जिसके साधारण अर्थ की अगर बात की जाए तो यह बच्चे की चोरी है। किड माने बच्चा, नेपिंग माने ले जाना, तो इसको कहेंगे हम लोग बच्चे की चोरी। तो किडनैपिंग का साधारण अर्थ होता है वो बच्चे की चोरी, और एब्डक्शन का मतलब है किसी को बलपूर्वक ले जाना। आईपीसी के सेक्शन 354 से 374 में किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के बारे में दंड के प्रावधान किए गए हैं। प्रोविजन भी है और पनिशमेंट भी है इन सेक्शंस में। किन सेक्शन में? 354 से 374 में। अगर आप सेक्शन 359 में जाएंगे तो व्यपहरण के बारे में ना बताकर व्यपहरण के प्रकार के बारे में बताया गया है। व्यपहरण दो प्रकार का होता है, नंबर एक भारत में से व्यपहरण और नंबर दो विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। अब इन दोनों की व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा साथियों, इस पर फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। आईपीसी के सेक्शन 359, 360, 361 में चर्चा की गई है किडनैपिंग के बारे में, जबकि दंड के बारे में सेक्शन 363 में बताया गया है। अब एब्डक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 362 में इसके बारे में बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण शुद्ध साहित्यिक शब्द है, जिसका अगर वैसे अनुवाद किया जाए तो कहा जा सकता है कि कपटपूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा, किडनैपिंग और एब्डक्शन का बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे ये आर्टिकल हमको बताता है कि 2021 में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत देश में केवल 507 मामले दर्ज किए गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 0.1% है। सबसे ज्यादा मामले 270 मामले भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल में दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के 6,589 मामले पिछले साल दर्ज किए गए थे, जिनमें सर्वाधिक ऐसी मौतें यूपी और बिहार में दर्ज की गई थी। तो ये तो था आज का एनालिसिस साथियों। अब आइए जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को कैसे रोका जाए। तो नंबर एक, समाज और सिस्टम दोनों को मिलकर काम करना होगा। पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। नंबर दो, महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की हमको आवश्यकता है। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 14, 15(1), 15(3), 51(a),
इनको और इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर तीन, हम ये कह सकते हैं कि सजा के बजाय रोकथाम पर जोर दिया जाए, मतलब पनिशमेंट के बजाय प्रिवेंशन पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। नए कानून बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं है साथियों, कानून पर्याप्त है हमारे पास। जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, पॉस्को एक्ट है हमारे पास, लेकिन इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ ही रहे हैं। तो हमको नए कानून या कठोर सजा के बजाय क्या काम करना चाहिए, लोगों की मानसिकताओं को बदलने पर जोर देना चाहिए। जब हम इस पर जोर देंगे तो लोग जो है इस प्रकार की मानसिकता से उबर आएंगे धीरे धीरे। आगे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, महिला पुलिसकर्मी और महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जांच में पीड़ित महिलाएं अपने आप को सहज स्थिति में रख सके, उन्हें एक अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। जब महिला पुलिसकर्मी और महिला जजों की संख्या होगी तो उसमें महिलाएं अपने आप को किसी प्रकार के तनावपूर्ण स्थिति में नहीं रखेंगी, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो ये हैं कुछ उपाय साथियों, और अगर कुछ उपाय आप भी साझा करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।